हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है फिर से एक और न्यू ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के बीच में मैं एक छोटा सा अपना लक्ष्य बनाया हूं। ये हमारा लक्ष्य देखकर आप लोगों को कुछ अनुभव होगा, कुछ सीखने को भी मिलेगा, इसलिए मैं अपना जो छोटा सा एक लक्ष्य बनाया हूं वो आप लोगों के बीच में मैं शेयर करता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये हमारा छोटा सा लक्ष्य आपको अच्छा लगेगा और थोड़ा सा प्रेरणा भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज है 3 अगस्त 2024, आज के दिन हमने ये लक्ष्य बनाया है और ये लक्ष्य हमने बहुत ही सोच समझ के बनाया है। मुझे पूरा विश्वास, पूरा आशा है कि मैं इस लक्ष्य को पूरा करके ही दम लूँगा, करूँगा ही करूँगा, ये मेरा पूरा अंदर से आत्मविश्वास बोल रहा है। तो दोस्तों, मेरा पहला लक्ष्य है, मैं 3 दिन फेरी कर कर के 4थे दिन जाऊंगा माल लाने और हर बार 10,000 प्लस का ही माल लाऊंगा, क्योंकि इससे पहले जो भी माल लाता था तो 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 ऐसे माल लाता था, लेकिन अब से जो जब भी माल लाऊंगा वो 10,000 के बाद ही लाऊंगा, 10,000 से लेकर 15,000 के बीच का माल लाऊंगा और उसके बाद जो ही पैसा मेरे पास बचेगा वो साइड में रखते जाऊंगा। सुबह 5 बजे से 10 बजे के बीच में रहेगा माल लाने का समय, और नहीं तो शाम को 5 बजे से 10 बजे तक, क्योंकि हमको माल लाने में समय लगता है 5 घंटे 4 से 5 घंटा, क्योंकि 1 घंटा जाने में, 1 घंटा आने में और 2 घंटा माल लेने में, तो 4 घंटा लगता है। हम 5 घंटा मान के चले हैं, तो 5 से 10 के बीच में हमारा माल लाने का समय रहेगा। मुझे एक छोटा सा एक अलमारी, ऐसे मैं माल जो है ना, मैं बिखरा पारा इधर उधर रहता है, तो माल जब लाता हूँ तो लगभग 1-2 घंटा 2-2.5 घंटा समय लग जाता है सरियाने में। तो एक ऐसा अलमारी बनाऊँगा, रैक बनाऊँगा, बनवाऊँगा, जिसकी वजह से मैं माल लाऊँगा और लाते ही रख दूँगा, माल सरियाने में समय नहीं लगेगा, लाते ही जगह जगह पर लगा दूँगा सही से। इसके लिए मुझे एक रैक अलमारी जैसे बनवाना पड़ेगा। अगला लक्ष्य है, मैं समय बहुत ही वेस्ट करता हूँ इधर उधर, समय मेरा बहुत व्यस्त होता है, बहाना हो या जो समझ सकते हैं, आलस हो जो समझ सकते हैं, हमारा समय बहुत व्यस्त होता है। तो मैं चाहूँगा समय का मैं कद्र करूँगा और मैं चाहूँगा कि थोड़ा भी समय वेस्ट ना हो। फेरी में, फेरी का समय रहेगा तो फेरी करेंगे, फेरी का समय नहीं रहेगा, अगर बारिश वरिश का मौसम रहेगा तो मैं खुद को बेहतर बनाने के लिए बुक रीडिंग करूँगा, वीडियो देखने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो देखने में भी मेरा बहुत समय वेस्ट हो जाता है, फेसबुक वीडियो, यूट्यूब वीडियो देखने में वेस्ट हो जाता है, और वीडियो देखूँगा अभी तो थोड़ा सा 10 से 15 मिनट, आधा घंटा बहुत हो गया, वो भी खुद को सीखने के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए वीडियो देखूँगा, यूट्यूब वीडियो, नहीं तो मनोरंजन के लिए नहीं देखूँगा, ये मैं खुद से वादा करता हूँ और मैं करने की कोशिश करूँगा, ये मेरा खुद से वादा है। अगला लक्ष्य जो है ना, मैं पैसा भी बहुत खर्च करता हूँ बीच में, तो मैं चाहूँगा कि दोस्तों पेट्रोल, नाश्ता और घर के लिए जो सब्जी होता है, सब्जी लाने के अलावा कहीं भी पैसा खर्च नहीं करूँगा महीने के बीच में। ऐसे लास्ट में जो भी मोटा में जो खर्च होगा वो खर्च करेंगे 30 तारीख से लेकर 2 तारीख के बीच में, नहीं तो इस बीच में पेट्रोल, नाश्ता और सब्जी के अलावा कहीं भी अलग खर्च नहीं करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोस्तों बीच में ही बहुत सारा खर्चा हो जाता है इधर उधर। अगला जो है दोस्तों, सीखने और खुद को बेहतर बनाने पर फोकस करूँगा, क्योंकि सीख कर कुछ भी कर सकते हैं, नहीं सीख कर कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए ज़िंदगी में सीखना बहुत ज़रूरी है और ज़िंदगी भर सीखते ही रहते हैं बहुत सारे लोग, और सीखना भी चाहिए, क्योंकि अगर सीखते रहेंगे तो ज़िंदगी आसान लगेगा और जीने का मज़ा आएगा, और सीखने की कोशिश नहीं करेंगे तो ज़िंदगी जो है ना भार, बोझ जैसा लगेगा। इसलिए ज़िंदगी में खुशी रहने के लिए, ज़िंदगी को खुशहाली बनाने के लिए सीखते हुए पॉजिटिव के साथ ज़िंदगी को जीना बहुत ही बेहतर तरीका है। अगला लक्ष्य है दोस्तों, हमारा इस समय का पूरा फोकस रहेगा
कर्ज के ऊपर, कर्जा थोड़ा ज़्यादा हो गया है कर्ज खत्म करने का, और साथ ही साथ टोटल कर्जा यानी कि लोन है, ईएमआई है, लोन चल रहा है उसको भी ख़त्म करेंगे, और लोकल आस पास पड़ोसी से भी कर्ज लिया हूँ बहुत सारा, मेरे लिए बहुत सारा है, थोड़ा ही है लेकिन बहुत सारा है। तो मेरा अभी इस समय का पूरा फोकस है सारा जितना भी लोन है, ईएमआई है, कर्जा है, सारा ख़त्म करना है लगभग मार्च अप्रैल मई तक, मई से पहले, मई 2025 से पहले हमारा सारा लोन ख़त्म हो जाना ही मांगता है, हो जाना ही चाहिए, क्योंकि मैं जिस तरह से काम अभी इस समय हो रहा है उस समय से करेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि मुझे मई 2025 तक पूरा लोन क्लियर हो जाएगा। आज का लक्ष्य हुआ, गोल्स हुआ, मेरा एक छोटा सा लक्ष्य, गोल जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, लक्ष्य। आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा गोल से आपको क्या सीखने को मिला नहीं मिला ये भी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से एक और न्यू वीडियो के साथ, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।